नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में मोगा जिला अदालत में भी सेशन जज अतुल कसाना और जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी सीजीएम अमरीश कुमार की अगुवाई में लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस अदालत में करीब 9,813 मामलों को निपटारे के लिए रखा गया और इन मामलों को निपटाने के लिए 23 बेंच बिठाए गए थे और आज करीब 6,000 से ऊपर मामलों का निपटारा आपसी सहमति से मिल बैठकर निपटाए गए। वहीं लोक अदालत में बैंक बाउंस चेक, मैट्रिमोनियल और एक्सीडेंट के क्लेम आदि के मामले आए थे। वहीं जानकारी देते हुए सीजीएम अमरीश कुमार ने बताया कि जो फैसले लिए गए हैं वे सभी मामलों के कोर्ट फीस वापसी की जा रही है और आज के लिए किए गए फैसले की कोई अपील और दलील नहीं होती। आपसे मिल बैठकर खुशी खुशी सबका निपटारा किया गया और लंबे समय तक अदालती चक्कर से छुटकारा मिलता है। लोक अदालत विच टोटल 9,813 केस असी टेकअप किए ने, जिदे लई 23 बखरे बखरे बेंच बनाए ने, जिदे विच 11 बेंच कोर्टां दे नेगे, 11 बेंच रेवेन्यू दे हैगे ने और एक बेंच कंज्यूमर फॉर्म दा हैगा गा। बिल्कुल जिवें तुसीं कहा, लोकां दा रुझान वध रहा लोक अदालत दे वल, केस भी हर बार वध टेकअप हो रहे ने क्योंकि लोक अदालतां दे बहुत ज़्यादा फायदे ने। लोगों नूं हुण इह गल समझ आ रही हैगी। मोगा के भेनीवाला में सड़क किनारे शख्स का शव मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल तेज धार हथियारों से शख्स का कत्ल किया गया। मृतक कुलदीप सिंह थोड़ा मंदबुद्धि था। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं कत्ल वाले दिन कुलदीप सिंह भाई हरदीप सिंह ने मीडिया को बयान दिया था कि वो गोपाल मोचन गया था और उस दिन ही वापसी आया था और जब घर आया तो उसका भाई घर पर नहीं था और उसको देखने के लिए खेत की ओर गया। वहां पर कुलदीप सिंह की लाश पड़ी थी। बता दें कि जांच में पाया गया कि ये दोनों भाई अभी कवारे हैं और मृतक कुलदीप सिंह थोड़ा मंदबुद्धि है और हरदीप सिंह ने शादी करवाने और विदेश जाने की चाहत में भाई की जमीन को हथियाने के लिए अपने भाई का तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया। वहीं पुलिस ने हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए। बता दें कि मोगा की तस्वीरें हैं जहां अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सड़क किनारे शव मिलने का मामला सामने आया था। वहीं भाई की जमीन हथियाने के मामले में भाई ने ही तेज धार हथियार से अपने भाई की हत्या कर दी। साढ़े पांच तो छे बजे दे विच एक कुलदीप सिंह लाडी नां दे व्यक्ति की हत्या हुई सी। कुलदीप सिंह लाडी नां दे व्यक्ति की हत्या हुई सी। ये अननोन मर्डर सीगा। एक किसी अणपछाते व्यक्ति वल्लों उसके सिर दे विच किसी तेज हथियार के नाल वार करके तो उस दियां हाथ दियां उंगलां वड्डियां गईयां सीगियां। उस जगह के उत्ते उमरा नंगल की जमीन दे विच उहदी मौत हो गई सी। उहनां दी अपने नाल जमीन पैंदी उस रस्ते दे विच। पटियाला में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम जगमीत सिंह आनंद है जो कि नगर एक्सटेंशन इलाके का रहने वाला है। पटियाला पुलिस ने बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी स्कूल में पढ़ती है और जिस वजह से उसका स्कूल के फीमेल टीचरों के साथ जान पहचान होने के बाद मोबाइल नंबर मिल गया। इसके बाद आरोपी महिला टीचर को फ्रेंडशिप के लिए फोन कॉल और मैसेज करने लगा।
लेकिन जब टीचर्स ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया तो गुस्से में आकर उसने स्कूल को उड़ाने की धमकी दी, धमकी भरा लेटर भेज दिया। जी हाँ, एक वारदात 18 अगस्त 2023 नूं होया सीगा। रिपी दे एरिया विच माइलस्टोन स्मार्ट स्कूल, उत्थे सानूं इनफॉर्मेशन मिली सीगी कि एक डमी टाइम बॉम ते एक धमकी भरा पत्र ग्राउंड च पिया है। प्रॉम्प्टली एक्ट करदे हुए सारे सीनियर अफसर, डीएसपी सिटी 2 जसविंदर सिंह तिवाना, एसएचओ त्रिपड़ी प्रदीप बाजवा ते होर इन्हां दी टीम मौके ते पहुंच गई। भवानीगढ़ के गांव भट्टीवाल में एक मास्टर की दरिंदगी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 12वीं क्लास के 3 स्टूडेंट्स के एक मास्टर ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित बच्चों ने बताया कि आरोपी टीचर उनके साथ गाली गलौच भी करता था। वहीं मामला गांव के सरपंच तक पहुंचा तो बच्चों के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के साथ सरपंच समेत बात करके मास्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल ये मामला शिक्षा विभाग के डिप्टी डीओ प्रीतिंदर घई के पास है और मामले की गंभीरता से जांच करके सोमवार को फैसला लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे। सोचदा मास्टर है ये साडे बच्चियां नूं ऐदां कुटदा जिवें आपां डंगरां नूं कुटदे हुंदे आ। चलो मास्टर नूं हक हुंदा वी घूरन, उहनूं माड़ा मोटा जिवें वी करन ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ, ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗਧੇ ਕੁੱਟ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸੋਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने फतेहगढ़ साहिब के विभिन्न गांवों का दौरा किया और इस दौरान लोगों को कई सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। हाँ जी, कच्चा मकान थी जी मेरा, बहुत जी ढंग लग, हाँ जी 1,20,000 भारत संकल्प यात्रा न केवल पंजाब में लोगों को जीओआई फ्लैगशिप के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि लाभार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जालंधर के गांव के कुछ लोग यहां अपने अनुभव लोगों ने यहां अपने अनुभव साझा किए। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੰਗ ਹਾਂਜੀ 1,20,000 ਆ ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ अगली खबर भटिंडा से है जहां सिख जत्थेबंदी और मानवीय अधिकार संगठनों द्वारा भटिंडा में रखे गए मार्च और रैली से पहले पुलिस द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि रैली में भाग लेने आए कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं गुरुद्वारा साहिब के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और इस रैली में भाग लेने आए लोगों को पुलिस द्वारा लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 75ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ जिला गुरदासपुर के हलका डेरा बाबा नानक के थाना कोटली सूरत मल्ली के अधीन गांव रामल के नजदीक रजबाहा अदोवाली खुर्द में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की रहस्यमय परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। वहीं मौत कैसे और क्यों हुई इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी थी कि रामल गांव के पास नहर में एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा मिला। करीब 70 साल के बुजुर्ग की नहर में डूबने से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की पहचान दलित सिंह के रूप में हुई है जो ठेठर के गांव के रहने वाला है और उनके करीब 20 साल पहले अपनी भांजी के गांव गिल्लावाली में रहता था। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये बुजुर्ग नशे का आदि है और जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਪੈਂਹਠ 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਰਾਮਲ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਹ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੀਪਾ ਵਾਸੀ ਠੇਠਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के लगातार प्रदर्शन जारी है। डीसी कार्यालय पठानकोट के बाहर राजपूत समाज और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। गोगा मेड़ी
के हत्या साजिश के तहत की गई और बता दें कि पुलिस को उनके हथियारों का एनकाउंटर करना चाहिए और उनके मौके पर अलग अलग प्रवक्ताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पुलिस को हत्याकांड की बारीकी से जांच भी करनी चाहिए। श्री राम की भूमि जन्म श्री कृष्ण ने पाया, संजीवन को लाया धीर वीर हनुमान था, वो आज भी है। जड़ी की राजस्थान च साडे करनी सेना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी दी जड़ी हत्या हुई है, उहदे जस्टिस लई मैं ज्यादा गल्लां नहीं करांगा। सरकार अगे यही डिमांड है कि जिहड़ा उहनां दे कातलां नूं जल्द तों जल्द फड़िया जाए और दूजा जिहड़ा फैसला है खून दे बदले खून दा होवे, क्योंकि जिहड़े इदां दे गैंगस्टर ते असमाजिक तत्व है जिहनां ते नकेल पाणी है ते इहनां नूं इहदी इहनां दी भाषा 'च जवाब देना पैणा। ते मैं सरकार नूं अपनी कौम वल्लों और सारी सारे हिंदुस्तान की जनता वालों यही अपील करांगा कि खून के बदले खून, धौन के बदले धौन, तो जिहड़ा जस्टिस है वह तां ही होएगा क्योंकि जिहड़े इदां दे तत्व ने जिहड़े असमाजिक समाजिक तत्व ने जिन्होंने किन्ने घर उजाड़ते। साडे वड्डे भरा ठाकुर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता दे विच जिहड़े राजस्थान दे विच निर्मम हत्या जिहड़ी कीती गई है गोगामड़ी जी की, एक मैंबर जिहड़ा डीसी साहब नूं दित्ता, मेरी प्रशासन और सरकार अगे यही मंग है कि समय रहिंदे इन्हां नेतावां दी जिहड़ी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और इन्हां दा ध्यान रख्या जाए। मरण तो बाद सारे महकमे तुर पैंदे ने, उन्हां दे परिवारां नूं सुरक्षा दित्ती जांदी है, जिस वेले जींदे ने उन्हां दी जान दी जिहड़ी रक्षा कीती जाए। इन्हां शब्दां नाल ही मैं प्रशासन नूं फिर एक वारी चेतावनी देना चाहना कि इन्हां कम्मां उत्ते ध्यान जिहड़ा तुरंत दे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फरीदकोट में गोल्डन जुबली के अवसर पर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में करवाए गए समारोह में शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल अस्पताल के पास जच्चा बच्चा विभाग का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि ये वार्ड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और उत्तर भारत का पहला विभाग है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर के कुछ और परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर और स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर, विधायक अमोलक सिंह भी मौजूद रहे। बाबा फरीद की धरती है, बहुत सारिया कलमां जिन्होंने साहित्य च अपने अपने खेत्र च जिहड़ियां मल्लां मारियां, ये बाबा फरीद जी की धरती है, उन्होंने बरकत है। बाबा फरीद जी ने जो मनुखता लिए लिखिया तो कोई मिसाल ही दुनिया च नहीं मिलती। मैं भी कहता मेरे मगर लगो, मेरे पिछे लगो, मैं कहना बराबर लगो, आप कट्ठे हो गए। आ जिहड़ियां अलामतां ने पंजाब नूं दो चार चिंबड़ियां हुई पर दूर करके ऐसा सूबा साडा, ऐसी जरखेज धरती, ऐसी मेहनती कौम, ऐसे साडे कोले दसां गुरुआं दी बाणी, साडे कोले गुरुआं दे साडे शहीदां दे देवी देवतिआं दे आशीर्वाद। असी अपने आप नूं थोड़ा जिहा अंडर एस्टिमेट कर रहे हां, थोड़ा जिहा आप पूजिए, असी किसे पक्ष तों घट नहीं हैगे। कोई काम दस दो जिदे विच पंजाबी एक वारी आ गया होवे ते उहने धार लिया होवे मन च के इस फील्ड च कामयाब होना, तो फेल होया होवे नो। सो मैं तुहाडी सक्सैस स्टोरी नूं सुन के बहुत खुश हाँ और मैनूं इस गल का अपने आप नूं मैं किस्मत वाला समझदा कि उस वेले हो रहा जिस वेले हैड ऑफ द स्टेट दी जिम्मेवारी तुसीं मैनूं दित्ती हुई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की ओर से आम लोगों के सरकार की बात कही जा रही है, तो वही पठानकोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पठानकोट में
स्विमिंग पूल के बीच बनाए गए मीटिंग हॉल का उद्घाटन करने के लिए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक पहुंचे, लेकिन बीजेपी के पठानकोट से विधायक अश्वनी शर्मा पार्षदों को उद्घाटन वाली जगह पर न जाने देने के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक को उद्घाटन करने के बाद पिछले रास्ते से ही पुलिस द्वारा निकाल दिए गए और बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड के गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। वहीं मौजूदा विधायक अश्वनी शर्मा की ओर से रोष जताया गया कि उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। वहीं पुलिस के साथ भी भाजपा विधायक व्यापारषद तीखी नोकझोंक करते दिखाई दिए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान बनाया कि संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, जनता के वोटां नाल जन प्रतिनिधि बनेंगे। एमसी बीजेपी दे उन्होंने सादा है, अंदर नहीं जानता। मैं हाउस का मैंबर हाँ, मैं इन्हों की दया के कारण एमएलए नहीं हाँ, पठानकोट की जनता ने मैनू चुनिया। ये किसी पार्टी का सवाल नहीं, ये पंजाब पठानकोट के लोगों की लोड़ सी। सो इन दोवह पार्टियां ने लंबा समा कारपोरेशन इन्हों की रही है, अज भी कारपोरेशन उन्होंने कोल आ, कभी बीजेपी को कभी कांग्रेस कोल, ये अपने बैठने की थान नहीं बना सके अज तक। सो साड़ी तो कारपोरेशन है ही नहीं, अभी तो सगो बना के दिता इन्हों। सो मैं लगता भी बीजेपी इधर उधर गल कर बजाय जे धरना लाना तो सनी देओल के खिलाफ ला, जिन्हों वोटा पाइं तुम घर घर जाके। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जन्मदिन पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कमलजीत चावला और उनकी टीम द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़े संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर प्रभारी कमलजीत ने कहा कि पंजाब के हर राजनेता को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीख लेनी चाहिए। सरदार बादल पंजाब के बाबा बोर थे और हमने उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। वहीं उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कमलजीत चावला ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए। अज इत्थे बीबी सुंदरी गुरुद्वारा नवा पिंड बहादुर लागे एक वड्डा मैगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। अज सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दे जन्म दिवस के उपर उपराले योग इतों के जो हलका इंचार्ज ने श्री कमलजीत सिंह बाजवा जी ने यह कैंप अरेंज किया है। इत्थे देखने आया है कि जिहड़ी नौजवान जनता है इस गुरुद्वारे विच सारे वध चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हुण तक 35 यूनिट इकट्ठे हो चुके हैं तो आस हैगी है कि 50 तो 60 यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देख के बहुत वधिया लग रहा है कि नौजवानों इन्ना जोश है खूनदान करन दा, चंगे काम करन दा। तो इस कैंप के राही असं यही मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों कि चंगे काम करते रहन, चंगे उपराले करते रहन। अज उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते हलका दीनानगर के अंदर साढ़े बहुत इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहब बीबी सुंदरी जी विखे, शहीद बीबी सुंदरी जी गुरद्वारा साहब विखे अज खूनदान का जरा कैंप लगाया गया। उस तो पहला सरदार बादल जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित असी सुखमनी साहब के पाठ आरंभ कराए, उपरंत भोग पैन तो बाद अरदास हुई और उन्हां दी अरदास तो बाद एक खूनदान कैंप का जिहड़ा संचालन शुरू होया और बहुत वड्डी तादाद विच साडे हलके दे अकाली दल दे वर्करां ने एक खूनदान दे महान कार्ज विच हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।